Hello, students. So, today uh, we will do the transport of food and other substances in the plant body. Okay. So, the transport of food within the plant body is called as translocation. Okay. This process called translocation. Bhi bolte okay. So, you know very well that what conduction tissue transport the food? It's phloem. Okay. तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द्रांसलोकेट दी फूड एंड अदर सबस्टेंसेस व्हाट इज अदर सबस्टेंसेस हियर अदर सबस्टेंसेस इज हार्मोन्स ठीक है सो फूड के साथ साथ जो हार्मोन्स होते हैं यानी कि फाइटो कैन से फाइटो हार्मोन्स प्लांट वाले हार्मोन्स जो प्लांट के में हारमोन्स होते हैं उनको फाइटो हारमोन्स बोलते हैं सो so वो हार्मोन्स और प्लस फूड जो कि लीवस में मैन्युफैक्चर्ड हुआ था सिंथेसाइज हुआ था बाई द प्रोसेस ऑफ फूडोसिंथेसिस तो वो फूड जो है आपका ट्रांसपोर्ट uh, होता है फ्रॉम लीव्स एंड फ्रॉम अपर फ्रॉम टिप ऑफ द प्लांट टू पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज़ नीडेड ठीक है जहाँ पे नीड होगी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है ओके okay? सो so, ये चीज़ आप यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ये हेडिंग से लिखा हुआ है इसको आप याद रखिएगा दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ओके सो फ्लोएम जो होता है वो आपका फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लाइक वाइज जाइलम फ्लोएम ऑल्सो है फोर सेल्स ठीक है फोर सेल्स में आपकी हो जाती हैं ये सीव ट्यूब्स हैं यहाँ लिखा हुआ फ्लोएम कंटेन सीव ट्यूब्स प्लस कंपेनियन सेल्स कंपेनियन मतलब हेल्पर सेल्स या हमको सहायक सेल्स हिंदी में बोलते हैं सो कंपेनियन सेल्स ओके प्लस फ्लोएम फाइबर एंड प्लस फ्लोएम पैर एंड ओके सिबल फॉर फ़ूड ट्रांसपोर्ट एंड फाइबर जो हैं आपकी वो नन लिविंग सेल्स होती हैं एंड पेरन कायमा जो है आपकी हेल्प करने के लिए होती हैं फूड प्रोवाइड करने के लिए होती हैं उनके ग्रोथ के लिए होती हैं एक चीज और है यहाँ प्लस कंपेनियन सेल्स एंड प्लस थ्रीलम में थ्री एंड यहाँ पे थ्री नॉन लिविंग सेल्स है यानी कि डेड सेल्स है ओके सो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स ये आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फूड ट्रांसपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब ट्यूब जो है आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सीव ट्यूब ट्यूब बना होता है उसके साथ ठीक है

ये हैं लॉन्ग सेल्स और उसके बाद ये हैं लॉन्ग सेल्स फिर आपकी ये लॉन्ग सेल्स हो गई तो so यहाँ पे जो है आपके एनादर सेल्स से ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे सीव प्लेट्स होती हैं लाइक like जैसे कि आपका हो जाता है फिल्टर ठीक है सो सीव प्लेट्स बनी होती हैं जैसे आप ये देख लेते हैं यहाँ पे ये है सीव प्लेट्स ठीक है ये एक सेल हो गई दूसरी सेल्स जब ज्वाइंट होती हैं तो ये सीव प्लेट्स से और यहीं से आपका जो है वन सेल टू अनदर सेल जो है वो अपलोड किया जाता है मतलब कि लोड किया जाता है इस सेल से इस सेल्स में जो फूड है जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर लोड किया जाएगा ओके okay? और इसी के साथ आपका यहाँ पे साइड में होती हैं कंपेनियन सेल्स ठीक है वन बाई वन इस तरह सो कंपेनियन सेल्स है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाजम ठीक है ये इनको आ, इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करते रही जो भी इनको चाहिए होता है एंड सीव ट्यूब्स होती हैं सीव सेल्स जो होती हैं वो उसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होगा बट साइटोप्लाजम प्रेजेंट होता है तो so, के बेसिस पे ये आपकी लिविंग सेल्स हो जाती हैं, ओके क्लियर नाउ सो ये आपका फूड ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं, ओके नाउ द फूड इज मेड इन द मीजोफिल सेल्स ठीक है okay? Now, uh, the, uh, cells, तो फूड आपका जो है लीव सेल्स में यानी मीजोफिल सेल्स में बन रहा है जहाँ से फूड को आपका ट्रांसपोर्ट होना है स्टोरेज uh, ऑर्गन्स की तरफ यानी प्लांट के दूसरे पार्ट में जहाँ पे फूड को स्टोर होना है वहाँ पे जैसे कि स्टीम है रूट्स है वहाँ पे स्टोर किया जाएगा दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो आपका इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वहाँ पे आप देख लीव्स में फूड बन रहा है ठीक है तो लीव्स कहाँ होती हैं प्लांट के अपर पोर्शन पर होती हैं सो तो यहाँ पर आपका जो मूवमेंट हो रहा है वो अपवर्ड टू तो डाउनवर्ड हो रहा है ठीक है साइलम में क्या था रूट से वाटर जो है डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड जा रहा था बट ज़ाइलम में आपका सिर्फ एक ही वे ट्रांसफर होगा यानी कि एक ही वे ट्रा, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड बट यहाँ पे क्या हो रहा है इन फ्लोएम फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड दोनों वे में होगा बिकॉज लीव से जो है आपका फूड उसमें स्टोरेज ऑर्गन्स में जाता है दूसरी चीज फूड और प्लस हार्मोन्स दोनों चीजें जा रही हैं ठीक है दूसरी चीज़ की स्टोरेज ऑर्गन लाइक स्टीम एंड रूट्स में चला गया एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पीरियड ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट तो वहां से फ़ूड जो स्टोर होता है वो वापस से फिर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ओके सो ये आप देख सकते हो कि ये लीव्स हैं ठीक है लीव्स हो गए यहाँ से फूड जो है आपका प्लांट के अदर पार्ट में जा रहा है ठीक है ये हो गया स्टोरेज ऑर्गन ये भी स्टीम जो है टीम स्टोर है स्टोर कर रही है फूड को ये भी स्टोर कर रहा है फूड को लेकिन जब बर्ड्स वगैरह या फ्लावर बन रहे हैं तो यहाँ से फूड जो है वापस से इसके अंदर जाएगा जो स्टोर फूड होता है यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी जा सकता है यानी कि टू वे जो है मूवमेंट हो सकता है ओके हो सकता है नहीं होता है ओके नाउ मेकनिजम ऑफ ट्रांसपोर्ट अब फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जैसे कि अब जाइलम में अपना ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो सक्शन जो है फोर्स उसकी बेस पे खींचा जाता है वाटर को अपवर्ड यहाँ पे जो आपका मैकेनिज्म हो रहा है ट्रांसलेशन के लिए द मूवमेंट ऑफ़ फूड इन फ्लो एम टेक्स प्लेस, प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी ठीक है अब एक बात याद रखना है यहाँ पे जो फूड को आपका आ, लीव से जो है इस यानी कि इस, इस यहाँ पे आपका सिंथेसाइजिंग एरियाज से जो है वहाँ जा रहा है स्टोरेज ऑर्गन की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है ठीक है तो शूगर मेड इन लीव्स इज लोडेड इन टू दीव टू सफ टिश्यू बाई यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ए टी पी यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी कि जो आपके मीजोफिल सेल्स में जो फूड बना है जो ग्लूकोज बना है वो आपका सीव ट्यूब में ठीक है सीव ट्यूब में थोड़ा सा एनर्जी लगा के ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्योंकि जो आपकी मीजोफिल सेल्स हैं ठीक है सपोज तो ये सेल्स हैं अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है सीव ट्यूब्स ठीक है तो यहाँ पे जो है आपका जाने के लिए फूड को डायरेक्टली पास नहीं हो सकता ठीक है तो क्योंकि जो इसकी सेल वॉल होती हैं सेल मेम्ब्रेन है ये इनको अलाउ नहीं करती हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उठा के फूड को यहाँ से इसके अंदर लोड करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी लगती है फूड को लीव से सीव ट्यूब में डालने के लिए ठीक है तो बस सिंपल सा ये प्रोसेस है कि यहाँ पे जो फूड लोड होने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी एनर्जी लगती है ठीक है तो दैट इज एक्टिव प्रोसेस अब क्या होता है आ, फ, आ, सीव ट्यूब में आपका फूड आ गया फूड दैट इज फूड मिलनी होता है सुक्रोज होता है क्योंकि आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्लांट ने क्या बनाया था अपनी सेल्स में ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड नहीं ट्रांसपोर्ट होता है इट ट्रेवल्स इट ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज ठीक है तो सुक्रोज के जो फ्लोएम जाइलम होते हैं so now, है, है, वो प्लांट है है, की बॉडी में एक साथ यानी कि पैरेलल रन कर रहे हैं ये जो है आपका इनके साथ ये कंपेनियन सेल्स लगी हुई है और यहीं पे इसके साथ आपके जो होते हैं वो जाइलम वेसल्स या यहाँ पे ट्रैकिट्स सब एक साथ लगे होते हैं यानी कि एक पूरा का पूरा जो पाइप सिस्टम है वो एक साथ ही होता है ठीक है समझ में आ रही बात ओके सो यहाँ पे जो है आपका आप देख रहे हैं कि नीचे से इसके अंदर वाटर अब मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं ठीक है so, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुक्रोज जो है वो लोड हो चुके हैं तो सुक्रोज का कंसनट्रेशन ज्यादा हो गया हो जाता है ठीक है सो ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज वाटर मोलिक्यूल जो है वो ऑसमोसिस के थ्रू इसके अंदर एंटर करते हैं यानी कि यहाँ पे लेस वाटर है तो वाटर यहाँ से इसके अंदर जा रहा है तो so, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है आपका प्रेशर डेवलप हो जाता है डेट इज़ टर्गर प्रेशर ठीक है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उस वो जो प्रेशर उसकी वॉल पे क्रिएट हो रहा है दैट इज़ टर्गर प्रेशर ठीक है तो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो, हो जाता है जिसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर मेनली आप प्रेशर ही बोल सकते हो बिकॉज ऑफ दॉटर ये प्रेशर हो रहा था इसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं सो so, टर्गर प्रेशर की वजह से जो है वो आपका बहुत ही तेजी से ये फ्लो यानी कि बल्क फ्लो होता है मास फ्लो हो रहा है ठीक है यानी कि मास फ्लो मतलब सब कुछ एक साथ खूब तेजी से बह के जा रहा है ठीक है सो तो यहाँ पे जो है मास फ्लो या हम इनको बल्क फ्लो भी बोलते हैं तो मास फ्लो से तेजी से फूड जो है वो नीचे की तरफ बहता हुआ हम ऐसे कह सकते हैं फ्लो करता हुआ चला जाता है और नीचे जाने के बाद जो है आपका फूड जो है वो स्टोरेज ऑर्गन में अनलोड कर दिया जाता है ओके

वो लोड कर दिया जाता है दिस अलाउज द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग द नीड्स ऑफ द प्लांट ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन स्प्रिंग तो इस मतलब यहाँ पे ये ले, ले कह रहा है कि दिस अलाउज द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट सो स्टोरेज आर्गन के पास पहुँचने के बाद फूड जो है वो स्टोर हो गया अब जब भी प्लांट को जरूरत होती है तो वो स्टोरेज फूड को दोबारा से यूटिलाइज कर लिया जाता है जैसे कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है प्लांट वुड बी ट्रांसपोर्टेड नीट एनर्जी टू ग्रो जब भाई स्प्रिंग सीजन है बसंत का मौसम जैसे आ जाता है तो फ्लावर वगैरह जो है बढ़ने लगते हैं तो उस टाइम जो वही एनर्जी को यूज किया जाता है ग्रो करने के लिए ओके? क्लियर ओके में हम पढ़ेंगे आपका